Second option, 12C, 13B, 14B, 15B. क्वेश्चन नंबर 12 में किसी को डाउट पूछा गया है, एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। हमने एनुअल ग्रोथ, एनुअल इंक्रीज के बारे में क्वेश्चन किया था बेसिक्स की क्लास में, तो कैसे निकालते हैं ग्रोथ पूछा गया है, एनुअल ग्रोथ। यस, वी कैन डू लास्ट माइनस कॉस्ट ऑल्सो। जब भी कभी ग्रोथ पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, दो सक्सेसिव वैल्यूज का डिफरेंस लेंगे। जैसे ग्रोथ ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिया हुआ है आपको, इसमें आप देख रहे हैं पहले 30 फिर 40 45 हो गया, तो आप फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का डिफरेंस ले लेंगे। फाइनल वैल्यू है 60, इनिशियल है 30, दोनों का डिफरेंस 30 डिवाइडेड बाय 3 अगेन 10, तो आंसर इज 10। क्वेश्चन नंबर 13 में किसी को डाउट, ये हम लोगों ने बात की थी, कभी भी ग्राफ लगे 35 रेशियो निकालना तो आता है, सिंपलीफाई करना है सिंपल, इसको 5 से डिवाइड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन व्हिच ईयर डज द नेट प्रॉफिट इंक्रीज इज मोर देन द ग्रॉस प्रॉफिट, 1991 में या 92 में, 91 में नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट से ज्यादा बड़ा है, दिस इज इन द ईयर 1991। समझ आ रहा है कि आपको 15? नाउ यू हैव पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 तो बता ही नहीं सकते हो, बिकॉज वी डोंट हैव द प्रीवियस डेटा। 91 की बात करें तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 15 और ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है सिर्फ 10, तो यहीं पर ज्यादा बढ़ गया है वो, ये आंसर हो जाएगा हमारा। 16 टू 20 पाई चार्ट आ गया, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था पाई चार्ट को लेके, तो इस वाले क्वेश्चन में हम वो चीज समझने की कोशिश करेंगे। 16 से 20 स्टार्ट करें प्लीज, वैल्यूज